कोई क्यों ऐसी इतनी बड़ी आरोप लगा देगा सर, अपनी भी तो इज्जत होती है। विनेश फोगाट बोल रही हैं, साक्षी मलिक बोल रही हैं, वो कह रही हैं कि और भी हमारे साथ महिला पहलवान। 12 साल से शोषण हो रहा था, क्यों नहीं, आपने बात को नहीं उठाया? अभी तो और धन्य होंगे, देखना वार्ड वापसी होंगे, कोई इलेक्शन आ रहे 2024 के, पर कुछ भी कर लें 400 पार है। ये लोग बोल लेते ना कि 24 में इलेक्शन है, 400 के पार पहुंचेंगे। अरे आराम से हल्ला मचाना नहीं है यहाँ पे। आराम से बोल रहा हूँ, वैसे आराम से बोल। हमें समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। प्रधानमंत्री घर के अंदर का देखें या घर के बाहर का देखें, हर चीज प्रधानमंत्री के ऊपर क्यों उठाया जाता है? देखो ये गलत है, मैं इस बात में समर्थन नहीं करता नारे लगाने। आजादी किस चीज के लोग है, आजादी कोई अलग मुल्क मांग रहे हो आप? एक उनको टॉपिक मिल गया या एक चैप्टर मिल गया तो उसके लिए मोदी जी को बदनाम करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके सांसद पे आरोप है और वो सांसद को कह रहे हैं कि कांग्रेस जो विपक्ष पार्टी के नेता है, कांग्रेस हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, उन सब में भ्रष्ट नेता है, उनको आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा। महिला पहलवान प्रदर्शन कर रही हैं और जंतर मंतर पर एक ही मांग कि बृजभूषण शरण सिंह को अब गिरफ्तार कर लेना चाहिए। सीधी बात, ऐसा क्यों? उत्पीड़न का आरोप है, पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, उसके तहत तो इनको तुरंत ही गिरफ्तार करना चाहिए। उत्पीड़न कितना समय से हो रहा था? बोल रहे 10-12 साल के। 10-12 साल, 12 साल में अभी तक कहाँ थी? जब ये अब ये पहलवानों का धंधा थोड़ी है ये, अब का बताओ कहाँ है, बताओ ना किसका धंधा है अभी ये? अन्याय हुआ है उनके साथ, वो क्या अन्याय हुआ है? चलो अन्याय हुआ है, हम भी कह रहे हैं अन्याय हुआ है, तो पुलिस है, सब कोर्ट है, चलो पुलिस को छोड़ दो, पुलिस कह रहे हैं कि बीजेपी की हो गई, ठीक है, कोर्ट तो है हमारे पास, कोर्ट तो नहीं है, जो इनके पास साक्ष्य हैं वो लेके जा सकते हैं ना, वहाँ जा सकते हैं ना। 12 साल तक जिसका उत्पीड़न हुआ हो वो क्या साक्ष्य दिखाएगा? 12 साल से क्यों नहीं बोले? अब इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन में क्यों बोल रहे हैं? 2024 इलेक्शन अभी तो और आएंगे मुद्दे, अभी देखना। आप कह रहे हैं कि अब जाति हो गई थी, आपको बहुत ज्यादा हो गया था बोलना। 12 साल से जाति नहीं हो रही, 12 साल कितना समय होता है, अब ये 6 महीने में जाति हो गई बस। 12 साल आप भी बताओ ना, 12 साल बहुत होते हैं और 6 महीने में क्या हो गया ये? अब क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं 2024 के, अभी तो और भी आएंगे, धन्य होंगे भी, अवार्ड वापसी होंगे, अभी तो क्या क्या होगा तुम देखना 2024 तक। लेकिन महिला पहलवान कोई पॉलिटिशियन थोड़ी है, वो तो पहलवान। अब तो मैं पॉलिटिक्स हो रही है ना पूरी, मोदी तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, क्या क्या हो रहा है ना, हाँ कब्र खोद रहे हैं उनकी, तो ये अच्छी बात है क्या? और तुम चलो तुम, वही तो बात है, महिला पहलवान है, पॉलिटिशियन थोड़ी है वो। नाम किसी नाम रोशन कराना हो ना हमारे देश का, तो इन्हें इज्जत मिली ना, यहाँ पे मिली ना, पूरी इज्जत मिली थी ना, मोदी जी ने बुलाया था ना, चाय पे ही बुलाया था ना, कोई कमी तो नहीं। अब तो मोदी जी कब्र खुदवा रहे हो वहाँ पे, ये अच्छी बात है, तुम्हारा धंधा तो तुम धंधा दो ना, वो जी तानाशाही है ये, क्योंकि हम आज़ादी से यहाँ बोल रहे हैं, घूम रहे हैं सब, आप भी खड़े हो यहाँ पे, ये तानाशाही तो है, यहाँ मोदी के कब्र खोद रहे हैं, ये तानाशाही नहीं है, कब्र खोद रहे हैं मोदी की हम, तो तानाशाही तो है ही हमारी ये। अगर बृजभूषण गलत है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए, सीधी सी बात है, कोई इसमें कोई नहीं है, लेकिन ये राजनीति हो रही है, राजनीति हो रही है पूरी जी। अब वो पहलवानों का धंधा नहीं रह गया, अब तुम धंधा दो, तुम खुद रहो ना वहाँ पे, कोई दिक्कत थोड़ी है, ये आज़ादी नहीं है और क्या, तब जब धंधा दे रहे हो इससे बड़ी क्या आज़ादी होगी? वो कह रहे हैं जब मोदी सरकार हमारे साथ खड़ी नहीं है तो कोई ना कोई तो खड़ा होगा ही, खड़े होने में क्या दिक्कत? मोदी सरकार क्या खड़ी होगी, क्या खड़ी होगी आप बताओ ना, वहाँ जाके मोदी के बंद सब मोदी जी खड़े हो जाए वहाँ जाके। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं मोदी जी, और मोदी जी ने एक बार ट्वीट तक नहीं किया। आपको मान लीजिए हरियाणा के है ना सारे यहाँ पे पहलवान, हरियाणा के पहलवान है, और पहलवान क्यों नहीं आ रहे? और सुनो खिलाड़ी तो और भी हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हैं, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, टेनिस के खिलाड़ी हमारे यहाँ है ना सब, सचिन है, सचिन का नाम बड़ा है ना, उन्होंने क्यों ट्वीट किया रहा ना खिलाड़ियों के पक्ष में, वो भी तो बोल सकते हैं, खिलाड़ी तो खिलाड़ी है, कोई ये थोड़ी है फुटबॉल का खिलाड़ी है, खिलाड़ी तो खिलाड़ी है हमारे देश का कोई भी हो। हमें समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है सब। क्या आउट ऑफ कंट्रोल? देखो 20-20 दिन से ये लोग बैठे हैं, आम आदमी कहाँ जाएंगे, आम आदमी तो इससे भी ज़्यादा बुरा होगा, आने वाला टाइम इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। जब तक अपराध सिद्ध नहीं होगा सर, क्या आपको कोई आपको अंदर कर सकता है, मेरा सवाल है आपसे? कोई ऐसे नहीं कर सकता, पर वो क्यों बैठे हैं उनको भी संतुष्ट कर दो, एक आदमी नहीं बैठा, इस्तीफा की मांग थी, इस्तीफा करके संतुष्ट कर, कोई तो काम होगा ना, संविधान नाम की चीज होती है ना सर। भाई साहब इस्तीफा हो तो गया, अभी एक ज्यादा वो आम आदमी तो है नहीं बिल्कुल, जाओ और पुलिस की गिरफ्तार कर ले, अगर कल को वो सही निकल गया बंदा, एमर सुनो हम ये नहीं कह रहे महिला पहलवान गलत है, वो अच्छी बात है, एमर सुनो वो सही निकल गया फिर क्या होगा बाद में, आम आदमी तो है नहीं वो बंदा, आम
लेकिन सुप्रीम कोर्ट से हमारे यहाँ जो हमने आए वो मेडल लेके आ रखे देश के लिए, भाई साहब जीत के मेडल आए, हम कब कह रहे गलत है। अरे वो मेडल लिया है मतलब सब कुछ हो गया, देश का नाम रोशन करा वो नहीं देखा, जो देश का नाम रोशन करा उसको नहीं देखा किसी ने, उसको नहीं सोच रहा कोई, जो यानी कि आप दिखाई दे रहा भैया एक एक करके आराम से। जाट बता रहे हो आज तो ना, वो जाट है कौन बोल, क्या मतलब वो जाट कौन बोल रहा है? वो जब तुम मेडल लेके आ रहा है वो देश के लिए नाम रोशन कर रहा है। जाट वाली बात किसने बोली सर? जाट वाली बात किसने बोली? वहीं से मीडिया में इन्होंने बोला, इन्होंने बोला, हमने बोला। जैसे आप यहाँ आपको पता है वो बेटियां बैठी हैं न्याय के लिए, वो बेटियां न्याय के लिए बैठी हैं और उनके पास आजादी के नारे लग रहे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे लाइनें बोली जा रही है। आपको नहीं लगता कि उन बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, उनके न्याय प्रक्रिया को यहाँ पे कमजोर किया जा रहा है, लेकिन आजादी के नारे लगाना ये कहाँ तक जाए? देखो ये गलत है, मैं इस बात में समर्थन नहीं करता नारे लगाने। आजादी किस चीज की लोगे आजादी? कोई अलग मुल्क मांग रहे हो आप? अरे सिर्फ उनकी ये आजादी होनी चाहिए, उनको न्याय मिल जाए। कोई क्यों ऐसी इतनी बड़ी आरोप लगा देगा सर? अपनी भी तो इज्जत होती है। विनेश फोगाट बोल रही है, साक्षी मलिक बोल रही है, वो कह रही है कि और भी हमारे साथ महिला पहलवान। 12 साल से शोषण हो रहा था, क्यों आपने बात को नहीं उठाया कि राजनीति की जा रही है? और उन्होंने ये लोग जो बैठे हैं, कभी जब एयरपोर्ट में उतरे हैं तो जय महल से स्वागत भी हुआ है जितने खिलाड़ी थे, चाहे लड़कियां हों चाहे लड़के रहे हों, लेकिन आज इन्होंने उसको भी एकदम शर्मसार कर दिया। प्रधानमंत्री घर के अंदर का देखें या घर के बाहर का देखें, हर चीज़ प्रधानमंत्री के ऊपर क्यों उठाया जाता है? पहलवानों से लेके सबको जितना दिया है, ऐसे प्रधानमंत्री अभी तक किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा किया नहीं था, ऐसी ना तो फैसिलिटी दिया था। भाजपा का तो ये नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियां धरना पे बैठी हैं लेकिन बेटियों के साथ खड़ा कोई नहीं। राजनीति से जुड़ गई बेटी तुम, अगर राजनीति से कहीं दूर होती सीधे, अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था खेल मंत्री के साथ डायरेक्ट, तुम लोगों को तो इतना पावर है, बॉडी गार्ड हैं तुम्हारे पास में, खेल मंत्री से जाके हमारे साथ ऐसा हमारा शोषण किया जा रहा है। किसी के ऊपर ब्लेम लगाने से पहले जो है उन्होंने तो कहा कोई चीज़ साबित तो करें FIR के लिए, सब FIR क्यों नहीं हो रही है? जब कोई चीज़ जो है सामने आएगी तब तो FIR करेगी पुलिस।